8:11 हुए हैं और वी आर वेरी मच हैप्पी कि तुंगनाथ की यात्रा हम शुरू करने वाले हैं। अभी हमने 15 मिनट का ट्रैकिंग किया है और ये हमारा फर्स्ट पॉज है। आप समझ सकते हो कि ये ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। आपकी फिटनेस का टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। तुंगनाथ के दर्शन के लिए हमको यहाँ चोपता में जगह है कैंप साइड, वो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा जूम करते ही आप देख सकते हो कि जंगल के बीच में कैंप साइट बनाया हुआ है, वहाँ पर हम रुके हुए हैं। इनकी खुशबू पूरे रास्ते में से हमको महसूस हो रही है। मेरा छोटा भाई ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। देवभूमि तुंगनाथ में ट्रैकिंग करने का अपना ही मज़ा है। हमारे अंदर जो शक्ति उस ऊपर वाले ने डाली है उसके बारे में हमको रियलाइज़ होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उसकी देन है। वही हमारे अंदर है और वही हमको चला रहा है। इस ट्रैक रूट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आप देख रहे हो इस रास्ते पर घोड़ों के द्वारा ऊपर जाया जाता है। काफ़ी चढ़ान वाला रास्ता है लेकिन जो फैसिलिटीज़ है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर सुलभ शौचालय हैं, उनका हमको यूज़ करना है। पर्यावरण को हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है, क्लीन रखना है हमको। जगह जगह पर पानी और खाने का अरेंजमेंट आपको मिलेगा और आप फोटोग्राफी करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हो। और हमने शिव जी को कहा कि भाई मौसम को खुला किया जाए कल सुबह, और आज आप देख सकते हो पीछे मौसम पूरा खुला है और बिल्कुल भी बारिश नहीं है। पांडवों ने ये जग रहे आना रहे का वध किया था रहेगी तेरी आस्था पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो शंकर जी के पास आए। दोनों में तेरी महानता 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 शंकर जी उनसे दूर जा रहे थे क्योंकि किसी को मानना और वो भी अपने सगे भाइयों को मानना उसका प्रायश्चित तो करना रहता है। लेकिन शंकर जी और ऊपर जा रहे थे तो ये तृतीय किरदार है जहाँ पर शंकर जी का हाथ और बाहु स्थापित किए गए हैं। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा भोले नाथ शंकरा जय मेरोनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोले नाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। वाह 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 क्या गुमान इसका। चंद्रमा ललाट पे हर हर महादेव जय भोले। डेढ़ किलोमीटर और है, एनर्जी अभी भी बनी हुई है लेकिन हर 100, 200, 250 मीटर पर हमको रेस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है।
अपने भाई को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो किलोमीटर के बीच हमने सफर तय कर लिया है अमृत सभी मैं बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया दो सौ चार सौ मीटर में हमको तुंगनाथ का टेंपल शंकर भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे तुंगनाथ में तुंगनाथ जी के मंदिर के पास में बस पहुंच ही गए हैं ऊपर जाके हम आपको मिलाते हैं भगवान शिव को देवभूमि तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर की ऊंचाई पर कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के बाद में क्या बात है कितनी उम्र है तुम्हारी 7 साल अरे बाप रे बाप दम वाले हो बॉस 7 साल की उम्र में तुंगनाथ की यात्रा ट्रैकिंग ग्रेट ओहो दस साल में तुंगनाथ ये दूसरी या तीसरी लड़की होगी जो तुंगनाथ की यात्रा कर रही है ट्रैकिंग से ग्रेट और फाइनली हम तुंगनाथ में शिव जी के दर्शन करके नीचे की तरफ पहुंच चुके हैं ऐसा कहा जाता है कि ये 3600 मीटर की ऊंचाई पर है लेकिन अगर आप ट्रैक करते हुए जाओगे तो ऊपर और नीचे मिलाकर कम से कम ये 8 किलोमीटर की आपकी जर्नी है 8 घंटे में तुंगनाथ की यात्रा पूरी हो गई है